फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और फ्रेंड आज का क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि टिफर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए वेरिएबल एक्स विच एज्यूम्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा वेयर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो। तो द रेशो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन ऑपरेटर एक्स वेयर एक्स इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द मीन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज ए बी सी डी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपके पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा और यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जो रेशो दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स अपॉन एक्स का, जहां पर आपके पास जो एक्स है नीचे वाला वो हमारे पास क्या है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और आपको इस रेशो का आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ये लिख लेंगे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एफ एक्स, यह हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, यह हमारे पास क्या फंक्शन है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, यह आपको दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, यह हमारे को क्या दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल, फिर हमारे पास ये माइनस का एक्स अपॉन लैम्डा। तो यह हमको यहाँ पर गिवन है, तो ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब फ्रेंड हमको क्या निकालना है यहाँ पे रेशो, तो हम यहाँ पे इसका रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो द रेशो, तो आपको यहाँ पे अब इसका रेशो कैलकुलेट करना है, मीन्स हमको यहाँ पे जो रेशो है, रेशो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, तो ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फ्रेंड हमको यहाँ पे फाइंड करना है एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो फ्रेंड इसको कैलकुलेट करने के लिए, और आपको पता है कि ये हमारा पॉजिटिव के लिए, आप देख सकते हैं हमें हमने क्या करा है कि x जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास x है वी एज्यूम्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो फ्रेंड हम x की पॉजिटिव वैल्यू को इसको लेंगे, तो अब हम जो हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है फ्रेंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यह हमारे पास इंटीग्रल, इसको लिखेंगे आप 0 से इन्फिनिटी, फिर हो जाएगा आपके पास x, ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स और ये हो जाएगा आपके पास dx डिवाइडेड बाई, फिर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे एफ एक्स, ये हो जाएगा आपके पास dx, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो। और फ्रेंड यहाँ पे हम x की पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी हम ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास x। अब आप देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो फ्रेंड्स एक x इसमें भी आ रहा है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल, आप इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन लैम्डा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई, फिर हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी। अब फ्रेंड इसमें भी x की वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे आप लगाएंगे एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन लैम्डा, और आप इसको क्या लिख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर डी एक्स। अब हम फ्रेंड इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको फ्रेंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास x अपॉन लैम्डा, और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे dx। फिर आपके पास क्या था, ये था आपके पास 0 से इन्फिनिटी, फिर आपके पास था x e की पावर माइनस का x अपॉन लैम्डा, और आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे dx। अब फ्रेंड्स हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फिजिक्स, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फिजिक्स अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो फ्रेंड्स हमारे पास दो तरीके के इंटीग्रल होते हैं, एक हमारे पास होता है 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस, ये हमारे पास होगा x, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा dx। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर ना लेके फ्रेंड हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको x की पावर n ले लेते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा आपके पास dx। और फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा हमारे पास a n प्लस 1, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो।
अब आप फ्रेंड यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, पहले वाले इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर। अब यहाँ पे जो a दिया हुआ है, a हमारे पास क्या है माइनस के 1 अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा हमारे पास डीएक्स। तो फ्रेंड यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास क्या आपके पास लैम्डा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा, और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास क्यूब। तो फ्रेंड जो हमारे पास क्यूब आ जाएगा, अब यहां से जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा क्यूब। तो फ्रेंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा क्यूब, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास है एक्स और ई की पावर माइनस का लैम्डा एक्स और फ्रेंड डी एक्स, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल एन है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, और आप इसका क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे n कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो फ्रेंड यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास लैम्डा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है लैम्डा स्क्वायर, सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर है, तो ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड जब मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा, तो पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद इस इंटीग्रल को मेरे पास कितना आ गया 2 लैम्डा, तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2 लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ इस तरीके से, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2 लैम्डा। तो यहां से ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है कि हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 2 लैम्डा है। इसका मतलब है फ्रेंड कि जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है 2 लैम्डा। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 2 लैम्डा। अब फ्रेंड्स हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो अब हम यहाँ पे प्रीवियस में जाएंगे, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे एक्स, और ये जो हमारे पास एक्स है ये हमारे पास क्या है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो ये हमारे पास है। अब फ्रेंड आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना आता ही होगा, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एक्स, और एक्स का मतलब है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, है ना फ्रेंड्स, ये हमारे पास है। तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता है अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो फंक्शन है df अपॉन dx, तो हमारे पास जो फंक्शन है df अपॉन dx, इसको हम कर देंगे इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव 0 कर देंगे। और फ्रेंड्स अब ये हमारे पास x है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लेट हम इसको ना x ऑपरेटर को हम x मान लेते हैं, क्योंकि ये पोजिशन ऑपरेटर है, तो फ्रेंड हमारे पास x हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड इस तरीके से अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इसको d अपॉन डी एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास x है, तो x को आप क्या लिख, f को, f की वैल्यू कितनी है x, ये हमारे पास है आपके पास e की पावर x अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड अब आप इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो देखिए चलो हम पहले कर ही लेते हैं, e की पावर लैम्डा अपॉन x, फिर हमारे पास इंटू 1 हो जाएगा x का करेंगे, प्लस अब मैं x को ऐसे रहने देता हूँ, e की पावर का करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा, और इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास e की पावर माइनस का x अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x, ये आ जाए और ये सॉरी, तो हम यहाँ पे इसको माइनस का लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास e की पावर माइनस का, ये हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस का x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू x। तो फ्रेंड आपने देखा यहां से मेरे पास, या हम इसको बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू मेरे पास आ चुका है लैम्डा। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास x की वैल्यू है, और x मेरे पास क्या था x ऑपरेटर, तो फ्रेंड्स x ऑपरेटर ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी है लैम्डा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है लैम्डा। अब हम निकाल लेंगे इसका रेशो, तो फ्रेंड्स आपको रेशो पता है क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास रेशो निकल कर आएगा, तो फ्रेंड उस रेशो के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको रेशो कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मेरे पास क्या है दिस, तो फ्रेंड्स या इसको थोड़ा यहाँ से रफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास x, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x ऑपरेटर इज इक्वल टू फ्रेंड्स,
ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 लैम्डा, ये हमारे पास 2 लैम्डा आ गया था। और फ्रेंड्स एक्स ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास आ गई है लैम्डा, तो इस लैम्डा से आपका ये वाला लैम्डा कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स एक्स ऑपरेटर सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ये हमारे पास कितना आ गया 2। तो फ्रेंड्स इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2, यानी कि इसका जो रेशो है इसके रेशो की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा जो इसका राइट आंसर है वो आप देख ही सकते हैं क्या है हमारे पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो फ्रेंड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है ए। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम का अकाउंट है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है पोटेंशियल जी। तो आप टेलीग्राम पर पोटेंशियल जी से सर्च कर लीजिए और मेरे को फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए अनअकैडमी पर एक और बैच कोर्स लेके आया हूं, और ये बैच कोर्स आपका मई मंथ का बैच कोर्स है। और फ्रेंड इस बैच कोर्स में मैं यहां पर आपको 2 सब्जेक्ट्स कवर कराने जा रहा हूं, एक हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप आज ही जाकर इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और इस पे कुछ डिस्काउंट चाहते हैं, तो ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं, और अगर आप पोटेंशियल जी का यूज करते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है, और अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मई मंथ में हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी, और ये पूरा कोर्स आपका लाइव होगा, और यहाँ पे आपकी जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो होने वाली हैं आपकी 90 मिनट की। तो यहाँ पे आपकी 90 मिनट की लाइव क्लासेस होंगी। और फ्रेंड्स जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है वो हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे 8 बजे से, यानी कि मॉर्निंग 8 AM, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है यह आपका चलेगा इवनिंग में 6:30 PM से। तो आपको मैंने यहाँ पे दोनों टाइमिंग लिख दी है। फ्रेंड क्लासिकल मैकेनिक्स का जो होगा कोर्स वो सुबह 8 बजे से है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके यहाँ पे 6:30 बजे से होगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप इसका रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और आप अपनी तैयारी को मेरे साथ जारी रखेंगे।